जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों के द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मेडिकल के कर्मचारी शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी प्रमोद कुमार तिवारी शामिल हुए, जहां उन्होंने मेडिकल प्रशासन से कर्मचारियों के हित के लिए मांग की कि कर्मचारियों के हित में मेडिकल प्रबंधन के द्वारा कार्य किया जाए, जिससे कि मेडिकल में आने वाले मरीजों का उचित इलाज हो सके और उन्हें तकलीफ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जब भी मेडिकल प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के साथ कड़ा रुख किया जाता है, तब तक मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेडिकल प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। ये आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक सांकेतिक यात्रा है, जो कि ये बताने के लिए है कि हम कर्मचारी जो हैं तो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने अधिकारों की हमेशा मांग करते आए हैं और निरंतर आगे और भी करेंगे। एक मोटी और एक लाइन की बात है, हमारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ये एक सीधा संदेश है प्रशासन को और शासन को कि हम यदि वहाँ से आते हैं और हमारे अधिकारों के साथ यदि छेड़छाड़ की गई तो ये समय बताएगा। अभी हम ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं। ये रैली माँ नर्मदा की पूजन के बाद, आरती के बाद और उसके बाद 1 घंटा आत्मचिंतन के बाद गांधी प्रतिमा के सामने, जिसपे सबने विचार किया कि आगे क्या करना है, ये सब गोपनीय विषय है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से गांधी उद्यान से निकले हैं। अब अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का मालार्पण करने के बाद आज की तिरंगा यात्रा गांधी जी की जयंती के ऊपर हमने निकाला। बहुत से यहाँ ऐसे अफवाह होते हैं, ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसमें सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाता है और विद्यार्थी भी काम नहीं कर पाते, ना ही अच्छे से पढ़ पाते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अथॉरिटी से कि भाई आप जो कुछ कर रहे हैं, आप मीटिंग बुलाइए, बड़े लोगों को बैठाइए और उनसे चर्चा करने के बाद फिर कोई काम करिए। तानाशाही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी तानाशाही। धन्यवाद। जय हिंद। आपका नाम बता दिए। नाम प्रमोद कुमार तिवारी, संघ रक्षक। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो केएस न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।